हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द यूपीएससी एनालाइजर। तो आज हम 13 अक्टूबर का इंडियन एक्सप्रेस डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर जो फर्स्ट न्यूज़ है, अब कोवैक्सीन को चिल्ड्रन के लिए अप्रूवल मिलने वाला है। तो 2 से 18 साल के बच्चों के लिए भी अब कोवैक्सीन को अप्रूव कर दिया जाएगा। तो यहाँ पर सब्जेक्ट एक्सपर्ट कमेटी ने अपनी रिकमेंडेशन दे दिया और यहाँ पर फाइनल अप्रूवल देता है DCGI। तो DCGI के फाइनल अप्रूवल मिलने के बाद यहाँ पर बच्चों का वैक्सीनेशन भी कोवैक्सीन के द्वारा शुरू हो जाएगा। तो कोवैक्सीन को बनाया है भारत बायोटेक ने। तो SEC ने अपनी रिकमेंडेशन दे दी, लेकिन यहाँ पर फाइनल अप्रूवल देता है ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया। जो सबसे पहली वैक्सीन है जो बच्चों के लिए अप्रूव की गई थी इंडिया में, वो थी जाइडस कैडिला। तो इंडिया इज़ अप्रूव जाइडस कैडिलाज वैक्सीन फॉर चिल्ड्रन एज अबव 12 ईयर्स। लेकिन जो कोवैक्सीन है वो 2 से 18 साल के बच्चों के लिए अप्रूव की जा रही है। अब यहाँ पर जो कोवैक्सीन है, इंडिया में काफ़ी कोवैक्सीन के डोजेस लग चुके हैं काफ़ी लोगों को, लेकिन उसके बाद भी यहाँ पर WHO ने अभी तक कोवैक्सीन को रिकॉग्नाइज नहीं किया है, जिसके कारण जिन लोगों ने कोवैक्सीन लगवाई हुई है, अगर वो किसी दूसरे कंट्री में ट्रैवल करते हैं तो उनको वहाँ पर क्वारंटीन पीरियड में रहना पड़ता है। तो अगर यहाँ पर WHO एक बार कोवैक्सीन को रिकॉग्नाइज कर लेगा तो यहाँ पर उनको मैंडेटरी क्वारंटीन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब हम नेक्स्ट न्यूज़ पर चलते हैं। तो 28th फाउंडेशन डे था नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन का। तो यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर ने क्या बातें बोली, तो हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर ने सबसे पहले स्लैम किया सेलेक्टिव आउटरेज ओवर ह्यूमन राइट्स की। यहाँ पर कुछ लोग क्या करते हैं, वो लेंस ऑफ पॉलिटिक्स से देखते हैं कि उनको फ़ायदा है तब तो वो, अगर कहीं ह्यूमन राइट्स वायोलेशन हो रहा तो आवाज़ उठाएंगे, लेकिन अगर उनको फ़ायदा नहीं है तो वो वहाँ पर आवाज़ नहीं उठाएंगे। और उन्होंने यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर ने एक सबसे इंपॉर्टेंट बात की है कि ह्यूमन राइट्स की बात तब आती है जब लोगों की बेसिक नीड्स फुलफिल होती हैं। तो ही ऑल्सो सेड दैट ह्यूमन राइट्स ओनली मैटर टू पीपल आफ्टर देयर बेसिक नीड्स आर मेट। तो सम पीपल कैरेक्टराइज ह्यूमन राइट्स फ्रॉम द ओन पर्सपेक्टिव दीज डेज, दे सी ह्यूमन राइट्स वायोलेशन इन सम केसेस बट नॉट इन अदर सिमिलर केसेस। तो जहाँ पर उनको फ़ायदा दिखता है वहाँ तो उनको ह्यूमन राइट्स वायोलेशन दिखते हैं, लेकिन जहाँ पर उनको फ़ायदा नहीं दिखता वहाँ पर उनको नहीं दिखते हैं। तो द बिगेस्ट ह्यूमन राइट्स वायोलेशन इज व्हेन राइट्स आर सीन फ्रॉम द लेंस ऑफ पॉलिटिक्स एंड पॉलिटिकल लॉस और गेन। तो ये सिलेक्टिव आउटरीच जो है वो कंट्री के इमेज को हार्म करता है, साथ ही साथ लोगों को, इंडिविजुअल्स को इसके लिए कॉशियस रहना चाहिए कि वो सिलेक्टिव आउटरीच के अगेंस्ट हमेशा उनको ये पता होना चाहिए कि कहीं उनके अंदर ये कंस्ट्रक्ट तो नहीं किया जा रहा है कि यहाँ पर ह्यूमन राइट्स वायोलेशन हो रहा है, तो वो किसी नैरेटिव का हिस्सा ना बने। उन्हें पता होना चाहिए कि क्या सच है और क्या गलत है। और साथ ही यहाँ पर एक बात और बोली गई, जो टेररिस्ट की ह्यूमन राइट्स की बात की जाती है तो ये नहीं होना चाहिए, एडिंग दैट वन कांट ग्लोरीफाई टेररिस्ट एंड टेररिज्म इन द नेम ऑफ राइट्स, कि यहाँ पर टेररिस्ट की ह्यूमन राइट्स की बात हो रही है तो ये सब नहीं होना चाहिए। तो ये बात बोली थी अरुण मिश्रा ने, जो कि फॉर्मर जस्टिस रह चुके हैं सुप्रीम कोर्ट के। तो हिस्ट्री विल नॉट फॉरगिव अस इफ ह्यूमन राइट्स डिफेंडर्स डू नॉट क्रिटिसाइज पॉलिटिकल वायलेंस। इसके अलावा जो ह्यूमन राइट्स डिफेंडर्स है वो पॉलिटिकल वायलेंस को भी क्रिटिसाइज करें, तो उसका मतलब ये कि हर तरीके के वायलेंस को क्रिटिसाइज करने की जरूरत है और हर तरीके की ह्यूमन राइट्स वायलेशन को क्रिटिसाइज करने की जरूरत है। हम आगे चलते हैं, इस पेज पर कोई भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं, आप खुद देख सकते हैं। अब हम आगे चलते हैं, ये इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं पर हम देख सकते हैं, देख लेते हैं। तो यहाँ पर राकेश अस्थाना, उनका जो अपॉइंटमेंट है उसको चैलेंज किया गया था। तो यहाँ पर दिल्ली पुलिस कमिश्नर जो है, इनका अपॉइंटमेंट है दिल्ली पुलिस कमिश्नर की तरह, तो यहाँ पर इनके अपॉइंटमेंट को चैलेंज किया गया था, लेकिन दिल्ली हाई कोर्ट ने इस PIL को डिसमिस करते हुए ये बात बोली है, जो एग्जीक्यूटिव है वो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है इन द दिल्ली। तो यहाँ पर जो एग्जीक्यूटिव, उसके पास एक रीजनेबल डिस्क्रिशन है कि वो डिसाइड कर सके कि वो किसको चाहता है यहाँ पर दिल्ली में पुलिस कमिश्नर बनाना। तो यहाँ पर जो एग्जीक्यूटिव है उसके पास रीजनेबल डिस्क्रिशन है, तो ये नहीं उसको एकदम बाय द प्रोसेस ही जाना है, अगर उसको अपना डिस्क्रिशन यहाँ पर एक्सरसाइज करना है तो वो कर सकता है। तो यहाँ पर जो राकेश अस्थाना का अपॉइंटमेंट है उसको दिल्ली हाई कोर्ट ने एक रीजनेबल डिस्क्रिशन की तरह ही देखा। और यहाँ पर यह बोला गया, जो दिल्ली है उसकी नीड्स थोड़ी यूनिक है, इसके अलावा दिल्ली में बहुत सारे इंसिडेंट्स भी देखने को मिले, फॉर एग्जाम्पल राइट सिचुएशन भी हो गई थी, इसके अलावा इंटरनेशनल इम्प्लीकेशन भी बहुत ज़्यादा क्योंकि ये कैपिटल है। तो यहाँ पर इतना तो डिस्क्रिशन होना चाहिए कि सेंटर जिसको चाहे वो बना सकती है। तो बस ये बात बोली गई, बाकी ज्यादा कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज यहां पर है नहीं। हम आगे चलते हैं। अब दिल्ली के ड्राइविंग लाइसेंस में, जो दिल्ली में बेसिकली ड्राइविंग लाइसेंस इशू होते हैं, वहां पर जल्दी QR कोड्स होगा ताकि इंफॉर्मेशन लिंक हो सके। तो ये बस टेक्नोलॉजी का कहां का यूज किया जा सकता है। तो अब G20 समिट हुई थी अफगानिस्तान के ऊपर, तो प्राइम मिनिस्टर ने क्या क्या बातें बोली हैं, तो हम सबसे पहले ये देखते हैं। G20 की जो प्रेसिडेंसी है इस साल वो है इटली के पास, और G20 के 20 जो कंट्रीज हैं, 20 मेंबर नेशंस, उनके नाम आपको पता होने चाहिए। अब प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी सेड दैट एवरी इंडियन फील्स द पेन ऑफ अफगान पीपल। तो हर भारतीय को पता है कि अफगान पीपल का दर्द क्या है इस समय। एंड यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर ने अर्ज किया इंटरनेशनल कम्युनिटी को कि एक यूनिफाइड रिस्पांस होना चाहिए, जो भी अफगानिस्तान में सिचुएशन आई है उसके रिस्पांस में यहाँ पर एक यूनिफाइड रिस्पांस होना चाहिए इंटरनेशनल कम्युनिटी का। साथ ही उन्होंने ये बोला, जो अफगान की टेरिटरी है वो किसी तरीके का सोर्स ना बन जाए रेडिकलाइजेशन को, टेररिज्म का, रीजनली और ग्लोबली।
प्राइम मिनिस्टर मोदी ऑल्सो प्रेशर्ड फॉर अर्जेंट एंड अनहिंडर्ड ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस टू अफगान सिटीजन्स. इसके अलावा अफगान सिटीजन्स को ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस देने की बहुत ज़रूरत है क्योंकि वहाँ पर बहुत जल्द फूड क्राइसिस भी आ सकती है. और यहाँ पर यह बात भी बोली गई प्राइम मिनिस्टर के द्वारा कि यहाँ पर जो एडमिनिस्ट्रेशन है, जैसे कि आपने एडमिनिस्ट्रेशन देखा तो उसमें एडमिनिस्ट्रेशन इंक्लूसिव नहीं है, तो यहाँ पर इंक्लूसिव एडमिनिस्ट्रेशन होना चाहिए जिसमें हर एथनिक माइनॉरिटी से लोग होने चाहिए और साथ ही साथ वेमेन का रिप्रेजेंटेशन भी होना चाहिए. तो पार्टिसिपेटेड इन द G20 समिट इन अफगानिस्तान, तो यहाँ पर बात की गई अफगान टेरिटरी में रेडिकलाइजेशन नहीं होना चाहिए, टेररिज्म नहीं उससे एक्सपोर्ट होना चाहिए और साथ ही यहाँ पर जो गवर्नमेंट होनी चाहिए वो इंक्लूसिव होनी चाहिए, वेमेन सेंट्रिक भी होनी चाहिए. तो UNSC रेजोल्यूशन, तो UNSC में एक रेजोल्यूशन अडॉप्ट किया गया था ऑन द अफगानिस्तान. तो उस रेजोल्यूशन के इम्प्लीमेंट करने की बात की गई तो उसका नाम है UNSC रेजोल्यूशन 2593. तो अ यूनिफाइड इंटरनेशनल रिस्पांस बेस्ड ऑन UNSC रेजोल्यूशन 2593 इज नेसेसरी टू इंप्रूव द सिचुएशन इन अफगानिस्तान. तो UNSC के रेजोल्यूशन 2593 में जो जो बातें की गई हैं, इंडिया चाहता है कि उसका जल्द से जल्द इम्प्लीमेंटेशन हो और इसके लिए यूनिफाइड इंटरनेशनल रिस्पांस होना चाहिए. हम आगे चलते हैं. अब यहाँ पर सरस्वती रिवाइवल, तो यहाँ पर हरियाणा गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट है, तो लगभग 215 करोड़ रुपए खर्च कर रहे हैं ये लोग. क्या कर रहे हैं, जो सरस्वती रिवर है उसका रिवाइवल कर रहे हैं. तो अकॉर्डिंग टू द स्टेट गवर्नमेंट प्रपोजल, जो डैम है उसकी लगभग 224 हेक्टेयर मीटर, ये सब इंपॉर्टेंट नहीं है कि डैम की कितनी कैपेसिटी, बस ये हरियाणा गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट है कि सरस्वती जो रिवर है उसका रिवाइवल कर रहे हैं. तो जो सोम रिवर से है, तो सोम रिवर से पानी डाइवर्ट कर दिया जाएगा सरस्वती रिवर में. अब ये कहाँ से कहाँ तक फ्लो होगी तो हम देख लेते हैं. तो रिवर स्टार्ट होगी आदि बद्री से, यमुनानगर भी बोलते हैं, टू गोहला चीका इन द कैटाल डिस्ट्रिक्ट. तो आदि बद्री से गोहला चीका तक इस रिवर का फ्लो होगा. तो आदि बद्री जो प्लेस है वो है फुटल्स ऑफ द शिवालिक रेंज, जो कि कुरुक्षेत्र से 90 किलोमीटर है. अब यहाँ पर बिलीव किया जाता है ये जो सरस्वती रिवर है ये पहले एग्जिस्ट करती थी लेकिन लगभग 5000 साल पहले डिसअपियर हो गई बिकॉज ऑफ जियोग्राफिकल डेवलपमेंट्स. तो आपने हिस्ट्री में पढ़ा ही होगा कि सरस्वती रिवर एग्जिस्ट किया करती थी लेकिन फिर उसके बाद ये जो सरस्वती रिवर है डिसअपियर हो गई, तो वापस से इसका यहाँ पर रिवाइवल किया जा रहा है. अब इंडो पैसिफिक कितना इंपॉर्टेंट, ये इस बात से समझ आता है जो US नेवी चीफ ने ये बात बोली कि 60% जो नेवी फोर्सेज है वो इंडो पैसिफिक में इनकी है. तो 60% नेवी फोर्सेज इन इंडो पैसिफिक रीजन और US नेवी चीफ. तो यहाँ पर ये समझ आ रहा है कि US के लिए इंडो पैसिफिक रीजन कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. तो US के नेवल चीफ ऑफ ऑपरेशंस इंडिया आए हुए हैं, तो 5 डे की विजिट है माइकल गिल्डे की और यहाँ पर वो इंडिया के अपने काउंटर पार्ट से मिले एडमायरल करमबीर सिंह. इसके अलावा चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत से भी मिले. तो अभी आपको पता है मालाबार एक्सरसाइज चल रही है बे ऑफ बंगाल में जिसमें 4 कंट्रीज पार्टिसिपेट कर रहे हैं. तो बेसिकली क्वाड के चारों कंट्रीज पार्टिसिपेट कर रहे हैं. तो आस्क्ड अबाउट व्हाट द US इंटेंट थ्रू, तो यहाँ पर पूछा गया कि चाइना का जो एग्रेसिव बिहेवियर है और चाइना कैसे अपना मॉडर्नाइजेशन कर रहा है नेवी का, तो उसके लिए क्या स्टेप्स ले रहा है US. तो इन्होंने यही बोला कि इंडिया का साथ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और इंडिया और US जो है वो सेम प्रिंसिपल्स में बिलीव करते हैं कि फ्री और ओपन मैरिटाइम कॉमन्स होना चाहिए, रीजनल स्टेबिलिटी होनी चाहिए, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी होनी चाहिए और साथ ही अगर कोई भी अथॉरिटेरियनिज्म करने की कोशिश करता है तो उसको पुशबैक करेंगे. तो दोनों के सेम गोल्स हैं, सेम प्रिंसिपल्स हैं, इसलिए यहाँ पर दोनों कंट्रीज बहुत अच्छे से कोलैबोरेट कर रहे हैं. हम आगे चलते हैं, इसमें कोई इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं है यहाँ पर. अब ये भी हम देख लेते हैं. तो गांधी आस्क्ड सावरकर टू फाइल मर्सी प्ली. तो यहाँ पर जैसे कुछ लोग कुछ भी बोले, हम पहले यहाँ पर देखते हैं. तो हिंदुत्व आइकन वीर सावरकर फाइल्ड अ मर्सी पिटीशन विद द ब्रिटिश ड्यूरिंग हिज इनकार्सरेशन इन अंदामान जेल ऑन द सजेशन ऑफ महात्मा गांधी. तो यहाँ पर डिफेंस मिनिस्टर का ये कहना है जो वीर सावरकर ने मर्सी पिटीशन लिखा था ब्रिटिशर्स को वो महात्मा गांधी के कहने पर लिखा था. ठीक है, अ लॉट ऑफ फॉल्सहुड वॉज स्प्रेड अगेंस्ट सावरकर. तो जो वीर सावरकर हैं उनके अगेंस्ट बहुत सारी फॉल्स बातें फैलाई जाती हैं. इट वॉज रिपीटेडली सेड, ऐसा बोला जाता है कि उन्होंने ब्रिटिश गवर्नमेंट के सामने बहुत सारी मर्सी पिटीशंस फाइल की, लेकिन ट्रुथ ये जो मर्सी पिटीशंस उन्होंने फाइल की वो महात्मा गांधी जी के कहने पर की थी. जनरली ए प्रिजनर हैज़ द राइट टू फाइल अ मर्सी पिटीशन. वैसे मर्सी पिटीशन का राइट होता है हर प्रिजनर के पास, लेकिन यहाँ पर महात्मा गांधी जी ने उनको बोला था कि मर्सी पिटीशन फाइल करो. तो इट वॉज ऑन गांधी सजेशन दैट ही फाइल अ मर्सी पिटीशन एंड महात्मा गांधी हैड अपील्ड दैट सावरकर जी शुड बी रिलीज. तो यहाँ पर महात्मा गांधी ने अपील की थी जो सावरकर जी हैं उनको रिलीज कर देना चाहिए. अब ये भी एक पॉइंट ऑफ व्यू है, कुछ लोग कहते हैं कि उन्होंने खुद से फाइल की थी, पर यहाँ पर डिफेंस मिनिस्टर ने बोला है कि महात्मा गांधी जी के कहने पर की थी, तो हमें यही मानना है. अभी जो बुक है वीर सावरकर द मैन हु कुड हैव प्रिवेंटेड पार्टीशन, इसको ऑथर किया है भाई उदय माहुरकर एंड चिरायू पंडित. तो ये आपको पता होना चाहिए बुक कौन है, उसको ऑथर कौन है. तो चिरायू पंडित और उदय माहुरकर, बुक का नाम है वीर सावरकर द मैन हु कुड हैव प्रिवेंटेड पार्टीशन. सिंह सेड सावरकर इंस्पायर्ड पीपल टू ब्रेक द साइकल्स. अब यहाँ पर वीर सावरकर ने लोगों को इंस्पायर किया कि कैसे आपको ये जो स्लेवरी की शैकल्स हैं उसको आपको तोड़ना है और अनटचेबिलिटी के अगेंस्ट उन्होंने एजिटेट भी किया था.
ही रिकाउंटेड हाउ द हेट्रेड फॉर हिम. अब यहाँ पर ये बोला गया कि वीर सावरकर के अगेंस्ट बहुत ज़्यादा हेट्रेड है. यहाँ तक कि जब सावरकर की एक पिक्चर लगाई गई थी पार्लियामेंट में तो उसके अगेंस्ट भी प्रोटेस्ट हुआ था, पॉलिटिकल पार्टीज ने बॉयकॉट कर दिया था. इसके अलावा आंदामान और निकोबार में एक प्लेग नाम प्लेग था वीर सावरकर जी के नाम पर, लेकिन उसको भी हटा दिया गया था. तो ये सारी बातें होती हैं. आई होप आपको समझ आ गया. ज़्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज़ थी नहीं, लेकिन जो भी आपको पता होना चाहिए. अगर इंडिया को 2070 तक नेट ज़ीरो एमिशंस करने तो लगभग हमें 5630 गीगावाट सोलर कैपेसिटी की ज़रूरत होगी. तो मतलब बहुत ज़्यादा सोलर, लेकिन अभी तक इंडिया ने कोई ऐसा टारगेट नहीं दिया कि इंडिया कब कार्बन न्यूट्रल होगा. तो ये हम रिपोर्ट पढ़ लेते हैं. ये रिपोर्ट निकाली है इंडिपेंडेंट थिंक टैंक काउंसिल ऑन एनर्जी एनवायरमेंट एंड वाटर. तो किसने रिपोर्ट निकाली है और रिपोर्ट का नाम क्या है? रिपोर्ट का नाम है इम्प्लीकेशंस ऑफ ए नेट जीरो टारगेट फॉर इंडिया सेक्टोरल एनर्जी ट्रांजिशन एंड क्लाइमेट पॉलिसी. तो रिपोर्ट का नाम और रिपोर्ट किसने निकाली है, ताकि आप कोट करने में ये सब तो बता दो कि किसने रिपोर्ट निकाली, क्या नाम है. तो इंडिया की जो टोटल इंस्टॉल्ड सोलर पावर कैपेसिटी वो लगभग 5630 गीगावाट होगी, तब हम 2070 में जाके नेट जीरो एमिशन की तरफ जा पाएंगे. तो ये रिपोर्ट किसने निकाली तो आपको पता चल गया. इसके अलावा अगर हमें इतना सोलर पावर जनरेट करना है तो उसके लिए लैंड लगभग 4.6% चाहिए होगा. तो कॉन्सिक्वेंटली द टोटल कॉरेस्पॉन्डिंग लैंड रिक्वायरमेंट फॉर इंडियाज पावर जनरेशन एसेट स्पेशली सोलर वुड बी अप्रॉक्सीमेटली 4.6%. इसके अलावा सोलर की जो फोटोवोल्टेइक सेल्स है उससे जो वेस्ट जनरेट होगा हमें उसको भी रिसाइकल करना पड़ेगा, तभी हम 2070 तक यहाँ पर नेट जीरो एमिशन की तरफ जा पाएंगे. अभी प्रेजेंट में देखो तो इंडिया की जो रिन्यूएबल एनर्जी की कैपेसिटी वो 100 गीगावाट है, जिसमें से जो सोलर है वो 40 गीगावाट है. और इंडिया का टारगेट है कि हमें रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी 450 गीगावाट करनी है 2030 तक. और अगर हमें 2070 तक नेट जीरो करना है तो जो हम लगभग जो हमारे यहाँ पावर जनरेशन होता है वो 70% कोल के थ्रू होता है. तो ये जो पावर जनरेशन हम कोल से करते हैं वो 2040 तक हमें पीक कर देना, और उसके बाद हमें लगभग 2040 से 60 के बीच में 99% ड्रॉप कर देना. मतलब तब हमारी जो भी पावर जनरेट होगी वो रिन्यूएबल एनर्जी से ही होनी चाहिए. तो अब आपको पता है कि IPCC की जब से रिपोर्ट आई है तो तब से ये बात चल रही है कि नेट जीरो कंट्रीज जल्दी से अनाउंस करें कि वो कब नेट जीरो होना चाहते हैं, ताकि जो हम अपने प्लैनेट का टेम्परेचर है वो 1.5 से लेकर 2 डिग्री तक यहाँ पर लिमिट कर सकें. आगे चलते हैं, ये हम आर्टिकल डिस्कस करेंगे बिग टेक एंड आर किड्स. ड्यूरिंग अ रीसेंट डिस्कशन इन द यूएस कांग्रेस, तो यूएस कांग्रेस में भी डिस्कशन चल रहा था, तो यहाँ पर एक्नॉलेज किया गया जो बिग सोशल मीडिया कंपनीज हैं उनके लिए जो बच्चों की मेंटल हेल्थ है वो इंपॉर्टेंट नहीं है, उनके लिए जो इंपॉर्टेंट है वो है प्रॉफिट. तो प्रॉफिट इज़ अ हायर प्रायोरिटी देन चिल्ड्रंस मेंटल हेल्थ. इसके अलावा विसल ब्लोअर जो फेसबुक किए हैं फ्रांसिस हेगन, उन्होंने ये बताया कि कैसे फेसबुक शेडोज में ऑपरेट करता है, और साथ ही उन्होंने फेसबुक के ऊपर फेसबुक को अक्यूज़ भी किया कि फेसबुक कैसे बच्चों को हर्ट करता है और डेमोक्रेसी को हर्ट करता है, सोशल डिविजन्स को प्रमोट करता है. फॉर एग्जांपल आपको उन्होंने पता होगा कि उन्होंने ऐसा बोला कि फेसबुक को पता होता है कि ये हेट कॉन्टेंट है, लेकिन उसके बाद भी उस कॉन्टेंट को हटाने के लिए फेसबुक कुछ नहीं करता, कोई स्टेप्स नहीं लेता है. अब हेगन ट्राई टू रिवील द टेक्निकल डेप्थ ऑफ द प्रॉब्लम दैट द यंग कंज्यूमर्स ऑफ फेसबुक फेस. अब कितनी ज़्यादा प्रॉब्लम है इन सोशल मीडिया ये जो कंपनीज हैं और ये सोशल मीडिया ऐप से बच्चों के ऊपर कितना बुरा प्रभाव डालती हैं, तो ये इस बात से पता चलता है कि जो कंपनी है वो चाहती हैं जो कस्टमर्स हैं उनके स्क्रीन टाइम स्पेस बढ़े, वो सिर्फ उनके ऐप ही चलाते रहें. तो इसके लिए वो एडवर्टाइजर्स को बोलती है कि एक्यूरेटली आप टारगेट करो. फॉर एग्जाम्पल आप कोई एक पर्टिकुलर चीज़ देखोगे फेसबुक पे तो उससे रिलेटेड ही आपको चीज़ें दिखाने लगता है. How far her audience grasps the complex details is hard to say, but they seem to agree with her that the existing legal restraints, तो जो high tech giants हैं उनके ऊपर जो legal restraints हैं वो बहुत कम है, यहाँ पर उनको और ज़्यादा tighten करने की ज़रूरत है. उसके बाद फिर जो Mark Zuckerberg आए उन्होंने बोला नहीं, ये Facebook के against false picture draw करने की कोशिश की जा रही है. तो यहाँ पर जो digital giants हैं, यहाँ पर ये बहुत important बात की गई, ये जो digital giants हैं ये हमेशा ये बिलीव दिलाते हैं कि जो भी प्रॉब्लम है ये सॉल्व कर लेंगे, यहाँ पर गवर्नमेंट को आने की कोई ज़रूरत नहीं है. लेकिन यहाँ पर गवर्नमेंट को आने की ज़रूरत है, गवर्नमेंट को इन सारी कंपनियों के ऊपर रेगुलेशन और ज़्यादा बढ़ाने की ज़रूरत है. इंटरेस्टिंगली जो डैमेज हुआ है बच्चों के ऊपर वो बहुत ज़्यादा हुआ है, और उसको कॉम्पनसेटरी अमाउंट्स में अभी तक कभी सोचा भी नहीं गया कि कॉम्पनसेशन कितना देना पड़ेगा. तो इंटरेस्टिंगली द डैमेज इट रिफर्स टू हैज़ नेवर बीन ट्रांसलेटेड इनटू कॉम्पनसेटरी अमाउंट्स टू विच द विक्टिम शुड बी एंटाइटल्ड. तो विक्टिम्स जो इन फेसबुक जैसी ऐप से प्रभावित हो रहे हैं और उनके मेंटल हेल्थ पे फ़र्क पड़ रहा है, तो उसका उनको कितना कॉम्पनसेशन देना पड़ेगा इसकी तो कभी बात भी नहीं की जाती है. और जो टीचर की ड्यूटी वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है. टू नर्चर चिल्ड्रन सेंक्टिटी एंड इंटेलेक्चुअल ग्रोथ हैज़ बिकम एज अ रिजल्ट ऑफ द पार्टिसिपेशन इन सोशल मीडिया. तो बच्चे जब से सोशल मीडिया में पार्टिसिपेट करने लग गए हैं तो यहाँ पर अब टीचर की ड्यूटी और ज़्यादा बढ़ गई है कि कैसे वो बच्चों की सेंक्टिटी और इंटेलेक्चुअल ग्रोथ को मेनटेन रखें. अब यहाँ पर जो आपको पता होगा कि नोबेल पीस प्राइज़ जो विनर हैं ये फिलीपींस की थी मारिया रेसा, तो इनको मिला था
जो अभी नोबेल प्राइज है, तो इन्होंने एक बात बोली थी, इन्होंने ये बोला था जो फिलीपींस में लिबरल डेमोक्रेसी का डिक्लाइन हुआ है वो सोशल मीडिया की वजह से ही हुआ. सी मेंशन द बिहेवियर मॉडिफिकेशन इफेक्ट्स ऑफ सोशल मीडिया. जो सोशल मीडिया है वो हमारे बिहेवियर को इफेक्ट कर देता है, हमारे बिहेवियर को मॉडिफाई कर देता है. अब बिहेवियर को मॉडिफाई ऐसे करता है, फॉर एग्जांपल आप किसी पर्टिकुलर कंटेंट को अगर सर्च करते हो तो वो आपको वही पर्टिकुलर कंटेंट दिखाता है, तो कभी आपको अपोजिंग व्यू पॉइंट्स देखने का मौका ही नहीं मिलता है. तो आपका जो ब्रेन है वो एक तरफ लीन होने लगता है. तो उसके बाद जो लोग हैं वो डिफ्रेंशिएट ही नहीं कर पाते हैं कि क्या प्रोपेगेटेड नैरेटिव है और क्या रियलिटी है. तो बिहेवियर मॉडिफिकेशन हमेशा से यूज़ किया जाता है, लेकिन इस सोशल मीडिया के एज में बिहेवियर मॉडिफिकेशन बहुत ज़्यादा यूज़ किया जा रहा है. ये जो ऐप्स हैं ये हमारे बिहेवियर को मॉडिफाई कर देते हैं और ये बात हमें पता भी नहीं चलती है. इसके अलावा अदर वेज ऑफ लुकिंग एट एजुकेशन हैव गेन्ड सम स्पेस, लेकिन जो बिहेवियरिज्म है वो आज तक यूज़ किया जा रहा है. और इसके अलावा कोरोना पेंडेमिक में तो और जो बच्चे हैं वो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स का यूज़ करते हैं, इसके अलावा वो फिर इन सारी ऐप्स का भी यूज़ करते हैं. तो दो सेलिएंट क्वेश्चंस हैं जो हमारे एजुकेशन सेक्टर को यहाँ पर कंसर्न करते हैं. पहला ये कि बच्चों को इन अप्रोप्रिएट कंटेंट से कैसे दूर रखा जाए. इसके अलावा ये जो कंटेंट जनरेटर्स होते हैं चाहते भी हैं जो बच्चे हैं इनकी साइट पर बहुत जल्दी से शुरू हो जाए. फॉर एग्जांपल ये चाहते हैं कि कैचिंग देम यंग, अगर हम उनको बचपन से अपने कंटेंट से लुभाना शुरू कर देंगे तो हमें लॉन्ग रेंज बेनिफिट्स होंगे. उसके बाद दूसरी बात ये है जो बच्चों को डिजिटल मीडिया के जो एडिक्शन है उससे कैसे बचाया जाए. तो व्हेन ही वाज सर्विंग एज एजुकेशन सेक्रेटरी तो यहाँ पर बात की गई लेट सुदीप बैनर्जी की, एक स्कीम की बात की गई थी 1 लैपटॉप पर चिल्ड्रन, लेकिन उन्होंने इस स्कीम को ब्लॉक करवा दिया था ये कहते हुए कि अगर हम बच्चों को इतनी जल्दी इस डिजिटल वर्ल्ड में डाल देंगे तो वो मोरॉन्स बन जाएंगे. तो जैसे बच्चों का सोशलाइजेशन होता है, बच्चों को सोशलाइजेशन फैमिली करती है, स्कूल करती है, तो वो सोशलाइजेशन अगर डिजिटल मीडिया करने लगेगा तो जो बच्चों की मेंटल हेल्थ और जो बच्चों का बिहेवियरल पैटर्न है उस पर बहुत ज़्यादा फर्क देखने को मिलेगा. टेक जॉइंट्स एंड देयर एकेडमिक सपोर्ट आर्मीज हैव इन्वेडेड द टेरेन. तो जहाँ पर फैमिली और स्कूल जहाँ पर सोशलाइजेशन करते थे आज जो सोशलाइजेशन है वो होता है बाय द टेक जॉइंट्स एंड देयर एकेडमिक सपोर्ट. तो यहाँ पर जो ये दो ओल्ड इंस्टीट्यूशन है फैमिली और स्कूल ये धीरे धीरे फेड अवे हो रहे हैं और यहाँ इनकी प्लेस ले लिए टेक जॉइंट्स और एकेडमिक सपोर्ट की आर्मीज ने. टुडे व्हेन डिजिटल इंडस्ट्रीज हैव सक्सेसफुली इन्वेडेड, तो यहाँ पर डिजिटल इंडस्ट्रीज होम तक चली गई, स्कूल तक चली गई, तो अब हमें नहीं पता है कि हम अपने बच्चों को कैसे सेफ रखें इन एक्सपोजर के द्वारा. तो एक्सपोजर में बहुत कुछ होता है, पोर्नोग्राफिक मटीरियल से लेकर हेटफुल प्रोपेगेंडा तक सर्व किया जाता है. तो हेगन ने अलर्ट किया वर्ल्ड को अबाउट फॉल्स फैक्ट्स होक्सेस एंड र्यूमर्स की. सोशल मीडिया पर ज़्यादातर जो फैलता है वो फॉल्स फैक्ट्स और होक्सेस और र्यूमर्स होते हैं, लोग उन्हीं को देख के अपना बिहेवियर को बना लेते हैं. तो हर विसल ब्लोइंग रेवलेशन तो कॉरबोरेटेड बाई. अब यहाँ पर फेसबुक ने खुद अपने क्लीनिंग अप मैकेनिज्म में ये बोला था कि उन्होंने लगभग 6.3 मिलियन पीसेज ऑफ बुलिंग एंड हैरेसमेंट रिमूव किया है अपनी साइट से. इसके अलावा ऑर्गेनाइज हेट स्पीच रिमूव किया, सेल्फ इंजरी कॉन्टेंट रिमूव किया. तो बेसिकली ये कॉन्टेंट था कोई देख ही रहा होगा. तो द वेस्ट टुक अ लॉन्ग टाइम क्रिएटिंग अ टेम्पलेट ऑफ प्रोटेक्टेड चाइल्डहुड. इसके बाद आपको पता है यूरोप ने लगभग 2 सेंचुरीज लगाए एक लीगल और इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर बनाने के लिए ताकि उनके बच्चे जो हैं एक्सप्लॉयटेशन से सेफ रहें. तो यहाँ पर जो चाइल्डहुड वाला एज होता है वो बहुत ज़्यादा वल्नरेबल होता है, वो किसी भी तरफ ढल जाता है. तो यहाँ पर इन सारे फैक्टर्स को हमें ध्यान में रखते हुए स्टेप्स लेने की ज़रूरत है. प्रोटेक्टिंग चिल्ड्रन हैज बिकम फार हार्डर इन द डिजिटल एरिया. तो बच्चों को प्रोटेक्ट करना इस वल्नरेबल एज में बहुत डिफिकल्ट हो गया है डिजिटल एरा में. तो प्रीडेटरी एक्टिविटी अपार्ट द इंजरियस पोटेंशियल लर्किंग इन कम्युनिकेशन नेटवर्क हैज ग्रेटली इंक्रीज विद चिल्ड्रंस ओन पार्टिसिपेशन इन नेटवर्क. इसके अलावा जो बच्चे हैं वो भी इन नेटवर्क में बहुत ज़्यादा पार्टिसिपेट करते हैं. तो एडवेंट ऑफ सोशल मीडिया के बाद ये जो सोशल मीडिया की एज आ गई यहाँ पर अपने बच्चों को प्रोटेक्ट करना बहुत डिफिकल्ट हो गया है. इसके अलावा ये जैसे कि मैंने आपको बताया ये सिर्फ आपके बिहेवियर को इफेक्ट नहीं करते हैं, आपके बिहेवियर को मॉडिफाई कर देते हैं. तो कंसिडरिंग द वास्ट स्केल ऑफ इंजूरियस हेट प्रोमोटिंग कंटेंट, जब हेट प्रोमोटिंग कंटेंट इतना ज़्यादा हो जाता है तो लोगों को सारी चीज़ें बहुत नॉर्मल लगने लगती है. फॉर एग्जांपल कहीं मॉब लिंचिंग होती है तो लोग बहुत नॉर्मलाइज कर देते हैं कि उनको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता है. तो ये सब ऐसा नहीं होना चाहिए. इट सीम्स वी आर विटनेसिंग एन इनकारनेशन ऑफ ह्यूमैनिटी. इन दिस इनकारनेशन ग्रोन अप्स बिहेव्स लाइक अर्चन्स थ्रोइंग स्टोन्स एज पासिंग व्हीकल्स. तो यहाँ पर मारिया रेसा और फ्रांसिस हेगन ने सही बात बोली है कि इफ दिस बिहेवियर बिकम्स प्रॉफिटेबल, अगर लोगों को बिहेवियर मॉडिफिकेशन जैसे कि सोशल मीडिया कंपनीज कर रही हैं जो हेट्रेड वाला कंटेंट है वो दिखा रही हैं बच्चों को, तो इससे क्या हो रहा है, इनको तो इससे प्रॉफिट मिल रहा है, लेकिन अगर ये एक नॉर्म बन जाएगा सोसाइटी के लिए तो ना ही ये सोसाइटी के लिए अच्छा और ना ही ये डेमोक्रेसी के लिए अच्छा है. तो आई होप आपको ये आर्टिकल समझ आ गया हो. ये आर्टिकल में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, आपकी एक एनालिसिस बिल्ड हुई होगी सोशल मीडिया को लेकर, टेक जॉइंट्स को लेकर. अब हम आगे चलते हैं. तो यहाँ पर जो आरबीआई है, आरबीआई ने अपना अकोमोडेटिव इंस्टेंस रखा है, तो ये आर्टिकल उसी के ऊपर है. तो जैसे आरबीआई की मॉनिटरी पॉलिसी कमेटी की मीटिंग होती है वैसे यूएस में भी मीटिंग होती, तो यूएस ने अपना जो स्टांस है वो चेंज करके क्या किया है, अकोमोडेटिव स्टांस से हटकर उन्होंने अपना रेपो रेट बढ़ा दिया है. तो यहाँ पर यूएस ने अपनी मॉनिटरी पॉलिसी को टाइटन किया है, लेकिन आरबीआई ने अपनी मॉनिटरी पॉलिसी को अभी भी लूज रखा है.
तो प्रेशर वॉज माउंटिंग। अब यहाँ पर प्रेशर माउंट किया जा रहा था आरबीआई को कि आरबीआई को अब अपने अकोमोडेटिव इंस्टेंस से हटना चाहिए क्योंकि इन्फ्लेशन आ रहा है, लेकिन आरबीआई ने फिर भी ग्रोथ पे फोकस किया। आरबीआई अभी आरबीआई का ये कहना जो इन्फ्लेशन है वो ट्रांजिटरी, वो कुछ टाइम के लिए, और वो इसीलिए क्योंकि सप्लाई चेन रेस्ट्रिक्शन से, अगर सप्लाई चेन वापस से ठीक हो जाएगी तो अपने आप ये इन्फ्लेशन चला जाएगा। अब हमारे लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि हर दो दो महीने पे मीटिंग होती है मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की, तो उन्होंने क्या डिसीजन लिया हर मीटिंग आपको याद रखना जरूरी नहीं होता। ऑपरेशन ट्विस्ट आपको पता होना चाहिए, ऑपरेशन ट्विस्ट में क्या किया गया था, लॉन्ग टर्म बाइंग की गई थी और शॉर्ट टर्म सेल किया गया था बॉन्ड्स को, ताकि आपको पता है ईल्ड जो है ईल्ड मेंटेन रहे। तो आई होप आपको समझ आ गया हो कि क्या आर्टिकल, इसमें ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट था नहीं। कॉर्बेट, कॉर्बेट का आर्टिकल मैं आपको बहुत बार डिस्कस कर चुकी हूँ, तीन बार आ चुका है इससे पहले इंडियन एक्सप्रेस में, कि जो कॉर्बेट का नाम है वो बदल के रामगंगा किया जा रहा है। तो इसमें कॉर्बेट की हिस्ट्री बताई गई है, हम नहीं देखेंगे यहाँ पर, बेसिकली चैट किया गया कॉर्बेट के घोस्ट से, हमें नहीं मतलब है। अब ये आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे तो ये भी हेगन्स जो विसल ब्लोअर है उनके ऊपर ही है कि उन्होंने क्या क्या पॉइंट्स बताए। तो हेगन्स रेवलेशंस अंडरलाइन थ्री बेसिक पॉइंट्स। पहला, ये रनिंग सोशल मीडिया आर नॉट इल इंटेंशन पर्स, जो सोशल मीडिया है वो इल इंटेंशन नहीं, पर बेसिकली उनका जो मेन एम है वो है प्रॉफिट। अब प्रॉफिट वो कैसे भी कमाएं, तो बट देन मॉरल एम्बिवेलेंस टुवर्ड्स द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ द प्रोडक्ट्स एंड द एग्नोस्टिसिज्म दैट इज बिल्ट इनटू डिजाइन ऑफ द एल्गोरिथम्स हैज मेड इट सो इजी। दे में अब उनका एल्गोरिथम ही ऐसा होता है, वो चाहते हैं जो लोग उनका ऐप यूज़ करें वो ज़्यादा देर तक उसको यूज़ करें। इसके अलावा तो इंस्टाग्राम है, वहाँ पर उससे बॉडी इशूज बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, जैसे कि हेल्थ ऑफ एडोलेसेंट गर्ल्स पर बहुत ज़्यादा फर्क पड़ रहा है। व्हाट्सएप और फेसबुक को एथनिक वायलेंसेस जो हुआ वहाँ पर बहुत बड़ा रोल था, व्हाट्सएप और फेसबुक का जो एथनिक वायलेंस देखने को मिले म्यांमार और पार्ट्स ऑफ अफ्रीका एंड इंडिया। अब ये सब पता होता है इन सोशल मीडिया जायंट्स को कि इससे ये हो रहा है, लेकिन उसके बाद भी ये लोग कुछ नहीं करते इसको प्रोटेक्ट करने के। तो हेगन हैज़ प्रोवाइडेड डॉक्यूमेंट्स दैट शो दैट द कॉर्पोरेशन दैट रन्स ऑल थ्री एप्स, तो ये जो फेसबुक व्हाट्सएप इंस्टाग्राम सब एक ही कॉर्पोरेशन का, तो इनको पता था इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या है, लेकिन उसके बाद भी ये कुछ नहीं करते उसको रोकने के लिए। अब दूसरी बात ये कुछ इसलिए नहीं करते रोकने के लिए क्योंकि इसी से उनको प्रॉफिट आ रहा है। तो सेकंड, देर इज नो गुड वे, नो मार्केट बेस्ड सोल्यूशन दैट ऑफर्स अ प्लॉसिबल वे आउट, द एप्स आर सो डीपली इंटरट्वाइंड, जो एप्स हैं वो इतनी ज़्यादा इंटरट्वाइंड है कि हमारी लाइफ का हिस्सा बन चुकी हैं। फॉर एग्जाम्पल, जब 7 घंटे का आउटेज हुआ था तो उसके बाद लोग इतने परेशान हो गए थे कि सिर्फ 7 घंटे अगर सोशल मीडिया जो है वो बंद हो जाता तो लोग इतने परेशान हो जाते हैं, तो मतलब ये लोगों के लाइफ्स का पार्ट बन चुका है। और दूसरी बात है, ये जो कंपनी से अपने आप पे सेल्फ रेगुलेशन तो करने नहीं वाली, क्योंकि अगर सेल्फ रेगुलेशन करेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, इनका जो प्रॉफिट है वो चला जाएगा, और ये चाहती नहीं कि इनका प्रॉफिट जाए। अगर हम ये सोचें कि गवर्नमेंट इन पर कंट्रोल करे, तो यहाँ पर ऑथर ने एक तरीके का पैटर्न ड्रॉ किया है गवर्नमेंट में और इन सोशल मीडिया कंपनीज में, इन टेक जायंट्स में, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तो इफ सेल्फ रेगुलेशन इज आउट, इज गवर्नमेंट रेगुलेशन द आंसर, तो ऑथर ने बोला जो गवर्नमेंट रेगुलेशन है वो भी आंसर नहीं है। क्यों? अनफॉर्चुनेटली द एक्शंस ऑफ इवन डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट्स, जो डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट्स हैं उन्होंने भी लोगों में कोई बहुत कॉन्फिडेंस नहीं दिखाया है। टेक जस्ट टू रिसेंट एग्जाम्पल्स, यहाँ पर पेगासस स्कैंडल की बात की और आर्सेनल कंसल्टिंग फाइंडिंग्स की बात की, जिसमें यह पता चला है कि जो सरकारें हैं वो लोगों पर कैसे सर्वेलांस करती हैं। तो सोशल मीडिया भी यही कर रहा है और सरकारें भी यही कर रही हैं, तो दोनों में कोई डिफरेंस तो है ही नहीं। तो इमेजिन स्पाईवेयर इज सोफिस्टिकेटेड इज पेगासस डेट कैन एस्केप डिटेक्शन, तो स्पाईवेयर आपको पेगासस के बारे में तो पता ही होगा कि इजरायली फर्म एनएसए ने बनाया था, और इंडियन गवर्नमेंट के ऊपर भी ऐसे चार्जेस लगे कि इंडियन गवर्नमेंट ने इसको यूज़ किया है पेगासस को अगेंस्ट जर्नलिस्ट और इसके अलावा और भी पॉलिटिशियंस। द डेंजर्स फ्लैग्ड बाय द आर्सेनल कंसल्टिंग रेवलेशंस, इसके अलावा आर्सेनल कंसल्टिंग रेवलेशंस के रिपोर्ट से ये पता चला था कि यहाँ पर जो भीमा कोरेगांव के केस में जो कुछ लोग थे उनके लैपटॉप में यहाँ पर एविडेंसेस प्लांट कर दिए गए। ठीक है, तो अगर ऐसा यूज़ हो रहा है तो आप समझ रहे हो कि कितना ज़्यादा भयानक हो सकता है, कितना ज़्यादा डेंजर हो सकता है। फॉर एग्जांपल, कोई भी डॉक्टर वीडियो किसी के लैपटॉप में डाल दी गई उसको जेल में भेजने के लिए, तो और टू एस्टैब्लिश द चैंटिंग ऑफ एंटी नेशनल सेडिशियस स्लोगन्स, तो ये तो खैर इंपॉर्टेंट नहीं है। तो यहाँ पर ऑथर ने बोला बेसिकली सोल्यूशन कुछ नहीं है इंटरनेट एज का, तो परहैप्स दे आर रियली आर नो सोल्यूशन टू द चैलेंजेस ऑफ द इंटरनेट एज, तो इंटरनेट एज का कोई भी सोल्यूशन नहीं है। अब ये दोनों आर्टिकल अगर आपको समरी जाननी है तो आप प्लीज़ एक बार पढ़ लेना इसको और कुछ इसमें पॉइंट्स नोट कर लेना, क्योंकि दोनों आर्टिकल्स टेक पर ही थे। आगे हम चलते हैं, यहाँ पर डिस्कॉम्स की बात की गई, जो डिस्कॉम्स है वो बहुत लॉसेस में चल रहे हैं। पहली बात तो एग्रीगेट टेक्निकल और कमर्शियल लॉसेस बहुत ज़्यादा हैं, इसके अलावा यहाँ पर डेट बहुत ज़्यादा हो चुका है इनके ऊपर, जो स्टेट है वो एडिक्वेट सब्सिडी प्रोवाइड नहीं करता, और लगभग उदय स्कीम जो उज्ज्वल डिस्कॉम एश्योरेंस योजना थी उसके बाद भी जो एस्टीमेट है वो लगभग 6 लाख करोड़ का होने वाला है ऑनगोइंग फाइनेंशियल ईयर में, लगभग हर साल इनके ऊपर 45,000-50,000 करोड़ का डेट तो हो ही जाता है। अब इतनी सारी प्रॉब्लम है डिस्कॉम सेक्टर में तो कैसे सही की जाए।
तो आपको पता है उज्ज्वल डिस्कॉम इंश्योरेंस योजना है, तो उससे ज़्यादा फायदा तो मिला नहीं, शॉर्ट टर्म में थोड़ा गेन हुआ लेकिन उसके बाद फिर से वही हाल होता हो गई। अब एक और स्कीम अनाउंस की गई थी यूनियन गवर्नमेंट के द्वारा, जिसका नाम था रिफॉर्म्स बेस्ड एंड रिजल्ट लिंक्ड स्कीम। तो बेसिकली ये है कि काम करोगे तभी आपको पैसे मिलेंगे। अगर यहाँ पर जो डिस्कॉम्स है वो दिखाएंगे कि देखो हमने अपने लॉसेस कम किए, हमने अपने ATC लॉसेस कम किए, हमने अपना इंफ्रास्ट्रक्चर सही किया है, तो यहाँ पर सेंटर जो है वो फंड को रिलीज कर देगी। लेकिन अगर डिस्कॉम्स अपना लॉसेस कम नहीं करेगी तो सेंटर यहाँ पर फंड रिलीज नहीं करेगी। तो यहाँ पर सब्सिक्वेंटली रिवैम्प डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर स्कीम लेकर आई गई है, जो कि 3.03 लाख करोड़ इसका बजट है। तो ये 5 सालों के लिए स्कीम होगी। इसमें ये देखा जाएगा कि जो ATC लॉसेज हैं उसको लगभग 12-15% तक लेकर आना, जो कि अभी हैं 21-22% पे, तो इसको 12-15% पर लेकर आना। इसके अलावा जो मीटरिंग है उसको स्मार्ट करनी है, क्योंकि बिजली की चोरी बहुत ज़्यादा होती है। इसके अलावा जो डिस्ट्रीब्यूशन इंफ्रास्ट्रक्चर उसको अपग्रेड करना है। इसके अलावा जो एग्रीकल्चर फीडर्स उसको सेग्रीगेट करना है, क्योंकि जो एग्रीकल्चर की इलेक्ट्रिसिटी दी जाती है वो सब्सिडाइज दी जाती है। अब स्कीम के दो पार्ट्स होंगे, पार्ट ए और पार्ट बी। जो पार्ट ए की स्कीम है 3.02 लाख करोड़, उसमें बेसिकली पैसा दिया जाएगा अगर इंफ्रास्ट्रक्चर को अपग्रेड करती हैं डिस्कॉम्स, इसके अलावा जो स्मार्ट मीटरिंग रिलेटेड काम करती हैं। जो पार्ट बी है जो कि 1430 करोड़ का है, वो ट्रेनिंग और कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए दिया जाएगा। तो यहाँ पर बेसिकली एग्रीमेंट साइन होगा बिटवीन द डिस्कॉम, इसके अलावा स्टेट गवर्नमेंट और यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में एग्रीमेंट साइन होगा। और यहाँ पर स्कीम का फायदा तभी मिला दिया जाएगा जब डिस्कॉम्स कुछ दिखाएंगी ऑन द ग्राउंड कि हाँ हमने काम किया। फॉर एग्जाम्पल वो अपने लॉसेस कम करेंगी, स्टेप्स बताएंगी कि वो अपने लॉसेस कम करने के लिए क्या कर रही हैं। तो रिजल्ट इवैल्यूएशन फ्रेमवर्क है कि अगर आप काम करोगे, अगर आप रिजल्ट्स खाओगे, तभी आपको यहां पर फंड्स आपको मिलेंगे। जहां तक एग्रीकल्चर सेक्टर की बात है, तो यहां पर ऑथर ने बोला जो एग्रीकल्चर सेक्टर है वहां पे हम सोलर पावर प्रोजेक्ट्स को यूज कर सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करने के लिए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि यहां पर हम सप्लाई इलेक्ट्रिसिटी करने के लिए सोलर पावर को यूज कर सकते हैं, क्योंकि बेसिकली एग्रीकल्चर में बहुत ज्यादा सब्सिडाइज इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करनी पड़ती है, जिसके कारण यहां पर और ज्यादा रेवेन्यू में बहुत कमी देखी जाती है। तो एक ये प्रॉब्लम है। इसके अलावा ऑथर ने एक और प्रॉब्लम बताई, वो ये प्रॉब्लम है जो टैरिफ्स को डिसाइड करने में जो स्टेट्स हैं वो बहुत ज़्यादा टाइम लगाते हैं। तो कंटिन्यूइंग एरिया ऑफ कंसर्न इफेक्टिंग डिस्कॉम फाइनेंसेस इज द सिग्निफिकेंट डिले इन द प्रोसेस ऑफ टैरिफ डिटर्मिनेशन। तो टैरिफ डिटर्मिनेशन में बहुत ज़्यादा टाइम लगाते हैं। लगभग 2021-22 के ईयर में भी 28 में से सिर्फ 19 स्टेट्स ने ही अभी तक अपने टैरिफ ऑर्डर्स निकाले हैं। तो टैरिफ ऑर्डर्स में इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगाना चाहिए, तो ये स्लगिश नहीं होना चाहिए, जल्दी जल्दी ये सब काम होने चाहिए। तो ऑफ द होल अभी यहाँ पर क्या इंपॉर्टेंट है कि ये जो डिस्कॉम्स हैं उनको अपनी ऑपरेशनल एफिशिएंसी इंप्रूव करनी है, फाइनेंशियल सस्टेनेबिलिटी जो डिस्कॉम्स की वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो यहाँ पर जो रिफॉर्म बेस्ड स्कीम है, यहाँ पर जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने अनाउंस किया, हो सकता है इससे डिस्कॉम्स में कुछ सुधार देखने को मिले। आगे हम चलते हैं, यहाँ पर ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट हम देखते हैं। तो यहाँ पर गोवा ने क्या किया था, गोवा ने PG में दिया था रिजर्वेशन। तो गोवा गवर्नमेंट नोटिफिकेशन रिजर्विंग 41% पोस्ट ग्रेजुएट सीट्स, तो उन्होंने क्या किया था 41% पोस्ट ग्रेजुएशन सीट को रिजर्व कर दिया था SC ST और OBC के लिए। लेकिन यहाँ पर बॉम्बे हाईकोर्ट ने इस रिजर्वेशन को कॉश कर दिया। अब क्यों कॉश कर दिया, तो यहाँ पर 1980 में सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग थी डॉक्टर जगदीश शरण वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस। यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला था जो टॉप टेक्नोलॉजिकल एक्सपर्टीज़ है वहाँ पर रिजर्वेशन नहीं होना चाहिए। तो टॉप टेक्नोलॉजिकल एक्सपर्टीज़ इन एनी वाइटल फील्ड लाइक मेडिसिन इज़ अ नेशंस ह्यूमन एसेट। तो ये नेशन का ह्यूमन एसेट है, यहाँ पर बेस्ट पोटेंशियल लोग जाने चाहिए। तो बेस्ट पोटेंशियल इन दीज फील्ड्स इज कोल्ड शोल्डर्ड फॉर पॉपुलिस्ट कंसिडरेशन गार्ड एज रिजर्वेशन। तो यहाँ पर रिजर्वेशन और इन सब के लिए हमें बेस्ट जो लोग हैं उनके अगेंस्ट काम नहीं करना चाहिए, और यहाँ पर बेस्ट लोगों को ही जाना चाहिए। तो यहाँ पर जो पीजी में रिजर्वेशन है उसके अगेंस्ट यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने रूलिंग दी थी, और जो केस है उसका नाम है जगदीश शरण वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। तो जो सिलेक्शन होना चाहिए पीजी सीट्स का जो होता है वो प्योरली नीट पीजी स्कोर पर होता है, उसमें कोई भी रिजर्वेशन नहीं होता। और वहाँ पर रिजर्वेशन इसलिए नहीं होता क्योंकि वहाँ पर बेस्ट टेक्नोलॉजिकल एक्सपर्टीज़ होनी चाहिए, और मेडिसिन में तो और ज़्यादा होनी चाहिए क्योंकि अल्टीमेटली लोगों को ही बेनिफिट करने वाला है। आगे हम चलते, ये भी हम एक न्यूज़ देख लेते हैं। तो छत्तीसगढ़ में प्रोटेस्ट चल रहा है। तो छत्तीसगढ़ में प्रोटेस्ट इसलिए चल रहा है क्योंकि कोल माइनिंग प्रोजेक्ट्स दे दिए गए हैं हसदियो अरण्या रीजन में, और इनको माना जाता है कि छत्तीसगढ़ के लंग्स हैं, द स्टेट्स लंग्स। तो यहाँ पर रीजन जो है बहुत ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी में रिच है, और इसका जो कैचमेंट एरिया है एंड इस कैचमेंट एरिया और ये जो है ये कैचमेंट एरिया हसदियो और मांड रिवर्स के लिए। लेकिन यहाँ पर कोल माइनिंग प्रोजेक्ट होने वाला है जिसके अगेंस्ट लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो अगर आपको ये आ जाए कि हसदियो अरण्या रीजन कहाँ पर है, तो बस छत्तीसगढ़ में इतना पता होना चाहिए। अब यहाँ पर जो वर्ल्ड बैंक की रैंकिंग है उसके ऊपर मैनिपुलेशन है कि उसके जो डेटा वो रिक किया जा रहा है चाइना और सऊदी अरेबिया जैसे कंट्रीज़ की जो रैंकिंग है बढ़ाने के लिए। अब कितना सच है कितना झूठ है वो हम देख लेते हैं। तो उसके लिए इनके ऊपर ये जो हैं ये वर्ल्ड बैंक की उस समय डायरेक्टर थी, तो उनके ऊपर ऐसे एलिगेशंस लगे हैं कि ये उसमें शामिल थी। तो जॉर्जिवा इज़ अ बुल्गेरियन इकोनॉमिस्ट, तो ये हैं जॉर्जिविया क्रिस्टेलिनिया
जॉर्जेवा, तो इनका ये नाम है क्रिस्टालिना जॉर्जेवा, जो कि मैनेजिंग डायरेक्टर भी थी, अभी ये एट प्रेजेंट आईएमएफ की मैनेजिंग डायरेक्टर है, उस समय वर्ल्ड बैंक की मैनेजिंग डायरेक्टर थी। तो ये इकोनॉमिस्ट है। इन जनवरी 2017 शी वॉज अपॉइंटेड द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द वर्ल्ड बैंक ग्रुप। तो ये चीफ एग्जीक्यूटिव थे वर्ल्ड बैंक ग्रुप की 2017 में। फिर 2019 में इन्होंने ये प्रेसिडेंट बन गई थी वर्ल्ड बैंक ग्रुप की। फिर ये एलिगेशंस आए कि रैंकिंग को मैनिपुलेट किया जा रहा है। तो इन अगस्त 2020 द वर्ल्ड बैंक सस्पेंडेड इट्स ईओडीबी रैंकिंग। तो उसके बाद ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की रैंकिंग को सस्पेंड कर दिया गया। ये देखा गया कि डेटा इररेगुलरिटीज़ हैं और यहाँ पर चाइना की रैंकिंग इन्फ्लेट की जा रही थी। सऊदी अरेबिया, यूएई और अजरबैजान की यहाँ पर रैंकिंग इन्फ्लेट की गई थी। तो चाइना की रैंकिंग इन्फ्लेट की गई थी, इसके तो एविडेंसेस मिले हैं, लेकिन बाकी कंट्रीज़ की रैंकिंग इन्फ्लेट की गई थी उसके कोई एविडेंस नहीं मिले हैं। तो यहाँ पर देखा गया जो वर्ल्ड बैंक है वो डेटा को फर्ज कर रहा था कि चाइना की रैंकिंग को इम्प्रूव किया जाए, क्योंकि यहाँ पर जो जॉर्जेवा थी ये प्रेशर डाल रही थी। तो यहाँ पर बेसिकली जॉर्जेवा ने चेस्ट टेस्ट किया था वर्ल्ड बैंक कंट्री डायरेक्टर को फॉर मिसमैनेजिंग द बैंक्स रिलेशनशिप विद चाइना। तो यहाँ पर बेसिकली ये जो क्रिस्टालिना जॉर्जेवा थी यहाँ पर फेवर कर रही थी चाइना को, भी क्यों कर रही थी ये नहीं पता चला है। दीज फाइंडिंग्स आर पर्टिकुलरली डैमनिंग। जो चाइना वो थर्ड लार्जेस्ट शेयर होल्डर है वर्ल्ड बैंक आफ्टर द यूएस एंड जापान। तो यूएस में जो सबसे वर्ल्ड बैंक में जो सबसे बड़ा शेयर होल्डर है वो यूएस, जो सेकंड नंबर पर वो जापान, और उसके बाद थर्ड पर यहाँ पर है चाइना। तो दीज फाइंडिंग्स आर पर्टिकुलरली डैमनिंग बिकॉज चाइना इज द थर्ड लार्जेस्ट शेयर होल्डर इन द वर्ल्ड बैंक आफ्टर द यूएस एंड द जापान। तो यहाँ पर ईओडीबी रैंकिंग इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स हैं वो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग देखने के बाद ही कंट्री में इन्वेस्ट करते हैं। तो चाइना को फायदा मिले। अब क्रिस्टालिना जॉर्जेवा ऐसा क्यों चाहती थी चाइना को फायदा मिले, ये सारी बातें नहीं पता चली हैं और ये हमें जानना भी नहीं है। बस आपको ईज ऑफ डूइंग बिजनेस से प्रीलिम्स में पहले क्वेश्चन आते थे, पर मुझे नहीं लग रहा अब क्वेश्चन आएंगे क्योंकि अब रैंकिंग को ऑल टुगेदर सस्पेंड कर दिया गया है। इसके अलावा इस रैंकिंग में पहले से कुछ फॉल्ट्स तो थे। फॉर एग्जांपल ये इंडिया की रैंक सिर्फ दो कंट्रीज़ की बेसिस पर, दो स्टेट्स की बेसिस पर निकाल देते थे, मुंबई और दिल्ली। तो एनी रैंकिंग बेस्ड ऑन एनी सच अ स्मॉल सैंपल, अब इतने स्मॉल सैंपल पे आप पूरे कंट्री को कैसे रैंक कर सकते हो। तो यहाँ पर ये एलिगेशन लगाई गई थी कि चाइना में ये बोला गया था कि बेजिंग और शंघाई ये जो दो कंट्रीज हैं उनके बेसिस पे ही चाइना की रैंकिंग निकाल देनी चाहिए। तो बाई चेरी पिकिंग द टॉप टू सिटीज़ चाइनाज रैंकिंग वुड गो अप। तो अगर सिर्फ दो जो सबसे अच्छे इनके प्रोविंसेस है सिर्फ उनको ही रैंकिंग में लिया जाएगा तो अपने आप ही चाइना की रैंकिंग ऊपर चली जाएगी। तो ऐसा नहीं है कि पहली बार किसी ऐसे डायरेक्टर पर यहाँ पर एलिगेशन लगे, तो इन रिसेंट ईयर सेवरल हेड्स, इसके अलावा वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ काफ़ी हेड्स पे ऐसे एलिगेशन लगे हुए भी हैं। तो शायद दो दिन पहले अरविंद सुब्रमण्यम सर का आर्टिकल आया था, तो वो भी इसी बात पर आया था। जो वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ है उनके डायरेक्टर्स बहुत बार उनकी इंटेग्रिटी पर सवाल उठाए जा चुके हैं। तो यहाँ पर एक जो प्रोसेस होना चाहिए इनके डायरेक्टर्स को सेलेक्ट करने का या इनके हेड्स को सेलेक्ट करने का, वो होना चाहिए ट्रांसपेरेंट और हर कंट्री को अलाउ करना चाहिए, सिर्फ यूरोप या अमेरिका से इनके डायरेक्टर बने ऐसा नहीं होना चाहिए। आगे हम चलते हैं। अब जो लेगो है उसने ये डिसाइड किया है कि जो टॉयज है उससे जेंडर बायस हटाया जाएगा। फॉर एग्जांपल आपने देखा होगा जब, जैसे फॉर एग्जांपल जब बच्चे छोटे होते हैं तो ऐसा होता है जो गर्ल्स होती हैं वो बार्बी डॉल्स के साथ ही खेलेंगी, जो बॉयज़ हैं वो हॉट व्हील्स के साथ ही खेलेंगे। तो यहाँ पर हम बचपन से ही एक स्टेरियोटाइप बना देते हैं और पेरेंट्स को ये बात रियलाइज़ नहीं होती कि वो स्टेरियोटाइप क्रिएट कर रहे हैं, पर एक्चुअली वो स्टेरियोटाइप्स क्रिएट करते हैं। जो बायोलॉजिकल होता है वो जेंडर, बायोलॉजिकल सेक्स होता है, लेकिन बेसिकली ये जो जेंडर है सोशल कंस्ट्रक्ट ही है। तो लेगो हैज़ अनाउंस, तो लेगो ने अनाउंस किया है कि जो जेंडर बायस है फ्रॉम इट्स टॉयज़ ये हटा देंगे और यहाँ पर जो बच्चों के एम्बिशंस है वो किसी भी स्टेरियोटाइप्स के द्वारा बंधने नहीं चाहिए। अब इन्होंने सर्वे किया था, इनको सर्वे के बाद ये बात पता चली। तो उन्होंने लगभग 7,000 पेरेंट्स और चिल्ड्रन का सर्वे किया था जो कि 6 और 14 साल के थे, इन चाइना, चेक रिपब्लिक, जापान, पोलैंड, रशिया, यूके और यूएस। तो यहाँ के लोग थे। इन्होंने पाया गर्ल्स आर रेडी फॉर द वर्ल्ड, जो गर्ल्स हैं वो दुनिया को फेस करने के लिए तैयार है, लेकिन सोसाइटी इज नॉट क्वाइट रेडी टू सपोर्ट देयर ग्रोथ थ्रू प्ले, लेकिन जो सोसाइटी वो उनको अभी तक सपोर्ट करने के लिए तैयार नहीं है। फॉर एग्जाम्पल 82% गर्ल बिलीव करती हैं कि ये बहुत ही ओके है गर्ल्स को कि वो फुटबॉल खेलें, एंड बॉयज़ टू प्रैक्टिस बैले, यहाँ पर जो बॉयज़ है वो बैले डांस कर सकते हैं, बहुत ही नॉर्मल है कंपेयर टू ओनली 71% ऑफ बॉयज़। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं जो बॉयज़ में स्टीरियोटाइप्स है वो ज़्यादा बिल्डअप हो रहा है। तो यहाँ पर जो लेगो है वो उसके लिए अपने लिए खुद अपने खुद की तरफ से एक स्टेप ले रहा है। तो 2012 में लेगो ने एक लेगो फ्रेंड्स बनाया था, तो इसमें इन्होंने कुछ प्रोडक्ट्स बनाए थे जो कि इन्होंने गर्ल्स की तरफ एम करके बनाए थे। उस समय इसको क्रिटिसाइज़ भी किया गया था कि कैसे जेंडर स्टीरियोटाइप्स को प्रमोट कर रहा है, लेकिन अब लेगो ने यहाँ पर स्टेप लिया है। तो वी नो दैट देर इज़ वर्क टू डू विच इज़ वाई फ्रॉम 2021 वी विल वर्क क्लोजली। अभी किस किस के साथ काम करेंगे हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन इंटरनेशनल डे ऑफ द गर्ल 11 अक्टूबर को सेलिब्रेट किया जाता है, तो आपको पता होना चाहिए। तो इंटरनेशनल डे ऑफ द गर्ल 11 अक्टूबर को सेलिब्रेट किया गया था। अब यहाँ पर ये भी हम देख लेते हैं एक्सप्लेन सेक्शन। तो फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980, अब फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980 में कुछ अमेंडमेंट्स प्रपोज किए गए हैं। तो क्या क्या अमेंडमेंट्स प्रपोज किए गए हम देखेंगे, ये इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले एक ही बार ये एक्ट अभी तक अमेंड हुआ है, तो 1988 में
अब इसकी वजह से क्या होगा, जो डेफिनेशन ऑफ फॉरेस्ट की वो थोड़ी बदल जाएगी। अब मिनिस्ट्री ऑफिशियल्स हैव सेड द करंट डेफिनेशन ऑफ फॉरेस्ट, जो करंट डेफिनेशन ऑफ फॉरेस्ट की, उसकी वजह से जो फॉरेस्ट का लैंड है वो यूज़ नहीं किया जा पा रहा और क्लियरेंस लेना बहुत ज़रूरी हो जाता है और क्लियरेंस लेने में बहुत टाइम लग जाता है। यहाँ तक कि जो प्राइवेट ओनर्स हैं वो अपनी ही प्रॉपर्टी यूज़ नहीं कर पा रहे हैं फॉर नॉन फॉरेस्ट्री पर्पसेस। अब ऐसा इसीलिए हुआ है क्योंकि 1996 में रूलिंग इन टी एन गोदावरम त्रिम्पल्ट वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, तो यहाँ पर 1996 में टी एन गोदावरम जजमेंट में ये बोला गया था, सुप्रीम कोर्ट ने ये बात बोली थी कि फॉरेस्ट किसी भी गवर्नमेंट रिकॉर्ड में अगर कोई भी एरिया फॉरेस्ट है तो उसको डीम्ड फॉरेस्ट माना जाएगा। तो इसकी वजह से जो बहुत सारे एरिया वो फॉरेस्ट में आ गए, अगर बहुत सारे एरिया फॉरेस्ट में आ गए तो यहाँ पर उसके बाद फिर सेंटर से अप्रूवल लेना ज़रूरी हो गया और अप्रूवल में लग जाता बहुत ज़्यादा टाइम। तो यहाँ पर टी एन गोदावरम जजमेंट आप याद रखना। तो सुप्रीम कोर्ट ने एक्सपेंड किया था डेफिनेशन एंड स्कोप ऑफ फॉरेस्ट लैंड टू इंक्लूड ऑल एरियाज रिकॉर्डेड एज फॉरेस्ट इन एनी गवर्नमेंट रिकॉर्ड। तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला था कोई भी अगर जो फॉरेस्ट पैच है वो किसी भी गवर्नमेंट रिकॉर्ड में फॉरेस्ट की तरह कहीं भी इंक्लूड हो गया तो उसको फॉरेस्ट माना जाएगा और इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता कि कौन उसको ओनर है, क्या रिकॉग्निशन, क्या क्लासिफिकेशन, बस कहीं भी रिकॉर्ड में वो फॉरेस्ट हो गया तो उसको डीम्ड फॉरेस्ट माना जाएगा। प्रीवियसली जो एक्ट था वो सिर्फ लार्ज रिजर्व फॉरेस्ट और नेशनल पार्क्स में अप्लाई होता था, लेकिन इस टी एन गोदावरम जजमेंट के बाद ये हर जगह अप्लाई होने लग गया। कोर्ट ने इसके अलावा जो डेफिनेशन ऑफ फॉरेस्ट है उसको बहुत ज़्यादा वाइडन कर दिया और डिक्शनरी मीनिंग ऑफ फॉरेस्ट को मान लिया कि कोई भी फॉरेस्टेड पैच है तो उसको डीम्ड फॉरेस्ट माना जाएगा भले ही वो कहीं नोटिफाई हो या ना हो। तो इसकी वजह से कोई भी लैंड जहाँ पर थोड़े बहुत भी यहाँ पर प्लांटेशन हो गई है तो उसको बहुत डिफिकल्ट हो जा रहा था उस पर कुछ बनाना, उस पर कुछ डेवलपमेंट एक्टिविटी करना। तो मिनिस्ट्री ऑफिशियल सेड द अमेंडमेंट, जो अमेंडमेंट है उससे कोशिश की गई है कि जो भी एम्बिग्यूटी और जो भी लैंड इतना ज़्यादा फंसा हुआ है उसको कैसे यूज़ किया जा सके। अब प्रपोज अमेंडमेंट्स ये हैं कि जो रेलवे और रोड्स ने, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज और रोड्स ने जो भी लैंड 1980 से पहले लिया था तो उसको इस एक्ट से एग्जेम्प्ट कर देंगे, क्योंकि इन्होंने लैंड तो बहुत पहले ले रखा था, फिर बाद में क्या हुआ इसके ऊपर फॉरेस्ट आ गए, अब ये लोग उस लैंड को यूज़ नहीं कर पा रहे हैं, इनको अप्रूवल की ज़रूरत पड़ रही है। तो यहाँ पर ये बोला गया है ये जो लैंड इन्होंने लिया एक्सपेंशनिज्म के लिए ही था, लेकिन अभी एक्सपेंशन कर नहीं पा रहे क्योंकि अब इसके ऊपर फॉरेस्ट आ गए, अब इसके ऊपर फॉरेस्ट आ गए तो यहाँ इनको अप्रूवल की ज़रूरत, अप्रूवल में लग रहा बहुत टाइम। तो पहली बात ये 1980 से पहले कोई भी यहाँ पर लैंड लिया गया रेलवेज और रोड्स के द्वारा तो उसको इस एक्ट से बाहर रखा गया। दूसरी बात ये कोई भी स्टेट स्पेसिफिक प्राइवेट फॉरेस्ट एक्ट है तो यहाँ पर जो इंडिविजुअल है वो वहाँ पर एक बार कंस्ट्रक्शन कर सकता है, इसके अलावा जो रेसिडेंशियल यूनिट से लगभग 250 स्क्वायर मीटर की वो बना सकता है। जो भी डिफेंस प्रोजेक्ट्स हैं इंटरनेशनल बॉर्डर के आसपास वो एग्जेम्प्ट रहेंगे फॉरेस्ट क्लियरेंस की, तो उसमें फॉरेस्ट क्लियरेंस की जरूरत नहीं पड़ेगी। जो ऑयल और नेचुरल गैस एक्सट्रैक्शन है वो फॉरेस्ट लैंड्स में परमिट किया जाएगा, लेकिन जब उसमें बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी यूज़ की जाएगी जैसे कि एक्सटेंडेड रीच ड्रिलिंग तभी यहाँ पर अप्रूव किया जाएगा। इसके अलावा मिनिस्ट्री ने प्रपोज किया है कि नॉन फॉरेस्ट्री पर्पसेज में जो लिवाइज है उसे डू अवे कर दिया जाएगा, तो यहाँ पर लीज के समय बार बार इनको लिवाई करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बेसिकली एक बार देना पड़ेगा। तो द मिनिस्ट्री हैज प्रपोज डूइंग अवे विद लिवाइज फॉर नॉन फॉरेस्ट्री पर्पसेज ड्यूरिंग द रिन्यूअल ऑफ लीज, तो लीज को वापस से रिन्यू कराना है तो फिर से रिन्यूअल के लिए यहाँ पर कोई डबल लेवी नहीं लगेगी। इसके अलावा जो स्ट्रिप प्लांटेशन होता है अलॉन्ग द रोड्स यहाँ पर उसको भी एग्जेम्प्ट कर दिया गया है। अब आपको ये समझ आ गया कि क्या क्या अमेंडमेंट किया गया, तो अब इसको पब्लिक में ये लाया जाएगा बिल, उसके बाद यहाँ पर जो पब्लिक कंसल्टेशन की जाएगी तो जिसको जो भी अपने सजेशंस देने वो दे सकता है। तो अब आपको ये समझ आ गया, अब हम आगे चलते हैं। यहाँ पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कंजोर्टियम ऑफ सेंट्रल फाइनेंशियल सर्विसेज और इसके अलावा रेजिलिएंट इनोवेशंस प्राइवेट लिमिटेड भारत पे को इन दोनों को अप्रूवल दे दिया है कि ये स्मॉल फाइनेंस बैंक है, इनको लाइसेंस मिल गया है। तो दो नए स्मॉल फाइनेंस बैंक और जुड़ गए हैं, तो आपको बस थोड़ा नाम पता होना चाहिए। अब यहाँ पर एक रिपोर्ट से ये पता चला है जो यूके है, यूके ने लेट लॉकडाउन लगाया जिसके कारण बहुत सारे लोगों की इनके यहाँ जान चली गई। द पार्लियामेंट्री रिपोर्ट सेड द यूके गवर्नमेंट वाज टू लेट टू इन्फोर्स अ लॉकडाउन, तो उस समय जब कोविड था तो इन्होंने लेट लॉकडाउन लगाया जिसकी वजह से यहाँ पर बहुत सारे लोगों की जान चली गई। इसके अलावा इन्होंने टेस्ट और ट्रेस भी बहुत एग्रेसिव तरीके से नहीं किया, बाद में इन्होंने कुछ अच्छे स्टेप्स किए, फॉर एग्जाम्पल इन्होंने वैक्सीन रिसर्च में थोड़े पैसे इन्वेस्ट किए, लेकिन स्टार्टिंग में इनका जो रिस्पॉन्स था वो बहुत ज़्यादा खराब था। अब यहाँ पर ये जो नॉर्थ कोरिया के किम जोंग उन है, इन्होंने ये बोला है जो यूएस है, इन्होंने यूएस को स्लैम किया है और यूएस जो नॉर्थ कोरिया के अगेंस्ट काम करता है ऐसी इन्होंने बातें बोली हैं। तो नॉर्थ कोरियन लीडर किम जोंग उन रिव्यूड पावरफुल मिसाइल्स डेवलप टू लॉन्च न्यूक्लियर स्ट्राइक्स ऑन द यूएस मेनलैंड, तो उन्होंने ये बोला इन्होंने पावरफुल मिसाइल्स बनाई है, अब ये क्या करेंगे यूएस मेनलैंड के ऊपर न्यूक्लियर स्ट्राइक्स लॉन्च करेंगे। अब ये यूएस हॉस्टिलिटी से हर संभव प्रयास करेंगे कि यूएस हॉस्टिलिटी का जवाब दें, और साथ ही इन्होंने बोला है कि इनका साउथ कोरिया से कोई लड़ाई धड़ाई नहीं है। तो कॉलिंग द यूएस अ सोर्स ऑफ इंस्टेबिलिटी ऑन द कोरियन पेनिनसुला, इन्होंने बोला यूएस जो है उसी की वजह से इंस्टेबिलिटी हो रही है कोरियन पेनिनसुला में। तो आई होप आपको अच्छा न्यूज़पेपर समझ आ गया। इफ यू लाइक द वीडियो देन प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।